हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गूगल शीट्स में पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी 52 वीडियो सीरीज का 7th वीडियो है। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था गूगल शीट में टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फिल्टर्स कैसे लगाते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे हटाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, गूगल शीट को शेयर कैसे करते हैं और नए टैब को कैसे ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक डेटा दिख रहा है, एक कंपनी का डेटा है। यहाँ पर एम्प्लॉइज का नेम लिखा हुआ है कॉलम ई में। कॉलम एफ में उनके एक्सपेंस टाइप लिखे हुए हैं कि उन्होंने किस चीज पे खर्चा किया है। कॉलम जी में मंथ लिखा हुआ है, किस महीने में खर्चा किया है और उस खर्चे की वैल्यू कितनी है, वो कॉलम एच में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टारगेट है कि हमको पता करना है कि ईच एम्प्लॉई ने टोटल कितना खर्चा किया, ईच एम्प्लॉई ने मंथ वाइज कितना खर्चा किया, मंथ वाइज कंपनी का कितना खर्चा हुआ और एक्सपेंस टाइप के बेसिस पे टोटल कितना एक्सपेंस हुआ। फ्रेंड्स, इन चारों क्वेश्चंस का आंसर पिवट टेबल के माध्यम से कर सकते हैं, तो आइए पिवट टेबल बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, पिवट टेबल बनाने के लिए हमको पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल ए करिए और पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा टैब में जाइए, पिवट टेबल सिलेक्ट करिए। आप न्यू शीट में भी पिवट टेबल बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग शीट में भी पिवट टेबल बना सकते हैं। मैं एग्जिस्टिंग शीट सिलेक्ट कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। आइकन पे क्लिक किया, मैंने सेल सिलेक्ट किया, कहाँ से मुझे पिवट टेबल स्टार्ट करना है और ओके कर दिया और उसके बाद क्रिएट किया। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं पिवट टेबल का विंडो राइट साइड में आता है। इसमें चार चीजें दी हुई है। रोज मतलब आपकी जो हेडिंग रहेगी, यहाँ पर हम सीरियल नंबर टाइप चीजें लिखते हैं। कॉलम्स मतलब हॉरिजॉन्टल रो जो ऊपर जाता है, इसको हम कॉलम्स बोलते हैं और इनको हम रोज बोलते हैं। वैल्यूज, उनके बीच में क्या वैल्यू रहेगा, आपको समीशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। और फिल्टर्स, तो हम एक चीज की बात करते हैं। हमारा पहला टारगेट है कि हमको टोटल एक्सपेंस निकालना है ईच एम्प्लॉय का, तो हम उसके हिसाब से पिवट टेबल बनाते हैं। आप रोज में गए और रोज में आपने नेम सिलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय नेम। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे जितने भी एम्प्लॉयज के नेम बार बार जो रिपीट हो रहे थे, उस सारे नेम यूनिक नेम एक बार इधर आ गए। फ्रेंड्स, अगर आप इधर देखेंगे, श्रुति ने पहली बार खर्चा किया 1318 रुपीज का। श्रुति ने फिर से खर्चा किया ट्रेवल पे 4000 रुपए का, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिक नेम दिख रहा है, आप टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमने यूनिक नेम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब हमको जाना है वैल्यूज में और वैल्यूज में हमको एक्सपेंस वैल्यू पे क्लिक करना है, जिसमें हमारा वैल्यू लिखा हुआ है एक्सपेंस का। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे इधर आपके मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, आपको क्या चूज करना है। आपको समीशन चूज करना है, काउंट चूज करना है, एवरेज चूज करना है। अभी हमारे लिए सम चाहिए क्योंकि हमको टोटल एक्सपेंस चाहिए, तो हमने सम चूज किया। फ्रेंड्स, आप देखेंगे अनामिका का टोटल एक्सपेंस 33,896 है, अनुष्का टोटल एक्सपेंस 2,16,010 रुपीज है। जितने भी एम्प्लॉयज थे, सिर्फ तीन चार क्लिक करके फ्रेंड्स आपको पता चल गया टोटल साल भर में कितना खर्चा किया उन एम्प्लॉयज ने। तो हमने पहली चीज सीख ली है कि हमको टोटल एक्सपेंस कैसे निकालना है बड़े वाले डेटा से। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ डेटा कितना बड़ा है। टोटल 200 एंट्रीज हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, आइए दूसरी चीज पे चलते हैं, फाइंड टोटल एक्सपेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय मंथली। तो अब हमको मंथली एक्सपेंसेस निकालना है। फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी कॉलम दिया हुआ है, कॉलम डी में मंथ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, हमको करना क्या है, आप एक और नया हेडिंग डालेंगे कॉलम में जाके और मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लिखेंगे तो रोज में आपके नाम लिखे हुए एम्प्लॉयज के और कॉलम्स में आपकी मंथली हेडिंग लिखी हुई है। अब हमको पता चल रहा है टोटल खर्चा कितना हुआ। अनामिका ने अप्रैल में 4,134 का खर्चा किया और टोटल खर्चा अनामिका का 33,896 है। अनामिका ने जनवरी में 4,810 रुपीज का खर्चा किया। इस टाइप से इस टेबल का पूरा समरी पिवट टेबल के माध्यम से इधर आ गया और आप मंथ वाइज किसी भी एम्प्लॉय का खर्चा पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपना दूसरा टारगेट भी कम्प्लीट किया। फ्रेंड्स, अब अगला टारगेट, फाइंड मंथली एक्सपेंस ऑफ कंपनी। फ्रेंड्स, वो किसी टेबल से हमको पता चल जाएगा। कंपनी का टोटल खर्चा अप्रैल में हुआ था 50,639, अगस्त में हुआ था 54,225। इसी तरीके से आप पूरे मंथ का खर्चा कंपनी का देख सकते हैं और टोटल जो साल में खर्चा हुआ वो है 5,18,000 रुपए, 5,80,361 रुपीज। तो हमने ये वाला टारगेट भी अपना कम्प्लीट किया। फ्रेंड्स, आते हैं चौथी टारगेट पे। हमको निकालना है
एक्सपेंस टाइप की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कितना एक्सपेंस हुआ। फ्रेंड इसके लिए हमको एक नया पेपर टेबल बनाना पड़ेगा। दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए किया, डेटा टैब में गए, पेपर टेबल सिलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग सीट में बनाएंगे, क्लिक किया और आपने अपना स्टार्टिंग रेंज सिलेक्ट किया और ओके किया और क्रिएट किया। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमको हेडर क्या चाहिए, एक्सपेंस टाइप हमारा हेडर बनना चाहिए, राइट। दो तरीके से फ्रेंड्स मैं रोज में भी हेडर दिखा सकता हूँ और कॉलम्स में भी हेडर दिखाता हूँ। पहले मैं आपको रोज में दिखाता हूँ फिर कॉलम में दिखाता हूँ। आप रोज में गए और एक्सपेंस टाइप आपने ऐड कर लिया और वैल्यूज में गए और आपने एक्सपेंस वैल्यू को ऐड कर लिया और समीशन आ गया। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एडमिन पर टोटल 97,000 का खर्चा हुआ एक साल में, फूड पे 99,995 का खर्चा हुआ, फ्यूल मेडिकल ट्रेवल का भी हिसाब से आप देख सकते हैं और टोटल मैच कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ से भी टोटल 5,18,000 निकल के आ रहा था और यहाँ से भी टोटल 5,18,000 निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स आइए टेबल का फॉर्मेट चेंज करके देखते हैं, अगर मैंने एक्सपेंस टाइप रोज में नहीं डाला होता और कॉलम में डाला होता तो टेबल कैसा दिखता। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और कॉलम में ऐड करता हूँ और एक्सपेंस टाइप ऐड करता हूँ। फ्रेंड्स आप देखिए अब आपके जो हेडर्स थे वो कॉलम में आ गए और आपका वैल्यू भी नीचे आ गया है, टोटल इज सेम 5,18,000 का टोटल कंपनी का खर्चा हुआ। तो फ्रेंड्स सिर्फ दो पिवट टेबल बना के और कुछ क्लिक्स करके आपका सारा एनालिसिस एक बार में कंप्लीट हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको गूगल शीट पर पिवट टेबल बनाना अच्छे से आया होगा। आपको कोई भी एनालिसिस करना है, रॉ डेटा है, आप उसका पिवट टेबल में अपने हिसाब से रोज कॉलम एडजस्ट करिए, कौन सा वैल्यू चाहिए आपको, समीशन चाहिए, एवरेज चाहिए और उस हिसाब से आपका एनालिसिस चंद सेकंडों में तैयार हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you.